व्हाट्सएप में अगर आपको बहुत सारे मैसेज फॉरवर्ड करने की आदत है तो ये वीडियो आप ज़रूर देखिए। एक्चुअली आजकल हम लोग सोशल नेटवर्क में बहुत बिजी रहते हैं और सभी के पास तो व्हाट्सएप रहता ही है। व्हाट्सएप में सभी लोग हम मैसेज भेजते हैं, सब कुछ करते हैं। कोई भी अगर मैसेज हमारे पास आए और हम उसको फॉरवर्ड करने में लग जाते हैं तो व्हाट्सएप वालों ने कुछ नया रिस्ट्रिक्ट लाने वाला है इस फॉरवर्ड मैसेज के, तो इसके बारे में मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और भी कुछ व्हाट्सएप के बारे में अपडेट भी देने वाला हूँ। व्हाट्सएप में अभी आपको फिंगरप्रिंट इनेबल हो जाएगा, तो ये सारी चीज़ मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो एक नया वीडियो के साथ आपको फिर से स्वागत करते हैं। मैं हूँ नईम और आप देख रहे हैं चैनल टेक्निकल MD। तो चलिए देख लेते हैं क्या होता है। तो व्हाट्सएप वालों ने एक नया स्टेटमेंट निकाला है कि वो लोग मैसेज फॉरवर्ड करने का एक लिमिट बांध देंगे। बहुत सारे फेक न्यूज़ इसमें से बहुत जल्दी से स्प्रेड हो रहा है, इसलिए व्हाट्सएप वालों ने एक स्टेटमेंट जारी किया है कि आप लोग मैसेज फॉरवर्ड एक लिमिट ही तक कर सकते हैं। तो अभी तक जितना भी बात निकल के आया है उसमें आप देख सकते हैं आप एक साथ एक ही मैसेज को 5 कॉन्टैक्ट के साथ फॉरवर्ड कर सकते हैं, 5 कॉन्टैक्ट के साथ फॉरवर्ड कर सकते हैं। उससे ज़्यादा आपको एक साथ फॉरवर्ड करने का मौका नहीं देगा। तो मेरे पे व्हाट्सएप का बीटा वर्जन चल रहा है, मेरे को ये अपडेट मिल गया कि मैं 5 कॉन्टैक्ट के अलावा एक साथ कई मैसेज फॉरवर्ड नहीं कर सकता हूँ। ये आप देख लीजिए यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं मेरा व्हाट्सएप का बीटा वर्जन चल रहा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ का व्हाट्सएप का बीटा वर्जन चल रहा है 2.19.16। तो इसमें जो आया है मैं एक ही मैसेज को 5 बार ही 5 लोगों के साथ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं एक ही मैसेज को 5 कॉन्टैक्ट के साथ ही फॉरवर्ड कर सकता हूँ। ये देखिए, एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, पाँच हो गया। अभी मैं उसके बाद और एक कॉन्टैक्ट सिलेक्ट करने जा रहा हूँ, तो यहाँ पर यू कैन ओनली शेयर विथ अप टू 5 चैट। तो ये चालू हो गया। अगर आप 5 कॉन्टैक्ट के साथ आप एक साथ 5 कॉन्टैक्ट के साथ ही फॉरवर्ड कर सकते हैं। अगर आप लोगों को अभी भी 5 से ज़्यादा फॉरवर्ड कर पा रहा हो, ये ज़्यादा देर तक नहीं पाओगे क्योंकि और एक अपडेट आएगा, उसके बाद सभी का ही ऐसा हो जाएगा। ग्लोबली एक मैसेज को आप मैक्सिमम 5 कॉन्टैक्ट के साथ ही फॉरवर्ड कर सकते हो। तो ये सारे फेक न्यूज़ के बदौलत ये उन्होंने चालू कर दिया ही है। दूसरी चीज़, व्हाट्सएप का और एक अपडेट आने वाला है, उसमें आपको मिलेगा व्हाट्सएप फिंगरप्रिंट। जो व्हाट्सएप का एंड टू एंड इंक्रिप्शन था वो अभी और भी सिक्योर करने के लिए उन्होंने एक नया फीचर लेके आ रहा है जिसमें आप फिंगरप्रिंट के थ्रू व्हाट्सएप लॉक कर सकते हैं। मोबाइल का ऐप से आप तो पहले से ही इसको फिंगरप्रिंट अलग कर सकते हैं, लेकिन ये वाला नहीं, ये व्हाट्सएप का इंटरनली फीचर होगा जिसके थ्रू वो व्हाट्सएप फिंगरप्रिंट से ही ओपन होगा। ये व्हाट्सएप वालों ने बोला बहुत ही जल्दी एक अपडेट मिलेगा, उसके बाद ये भी सबके सब चालू हो जाएगा। तो अब ये फिंगरप्रिंट भी इनेबल हो जाएगा, तो व्हाट्सएप कहीं ना कहीं और भी सिक्योर कर रहा है। अब देख सकता है ऐसा होगा, प्राइवेसी ऑप्शन के नीचे ऑथेंटिकेशन बोल के एक ऑप्शन आएगा, वहाँ पर फिंगरप्रिंट आपको देखने को मिल जाएगा। तो उम्मीद है कि नेक्स्ट अपडेट में ऐसा हो जाएगा। तो दोस्तों यही था जो व्हाट्सएप के बारे में अपडेट, आज के लिए इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए, क्योंकि हम ऐसे वीडियो रोज़ लेके आते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। बाय।